नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का। और सबसे पहले इंदौर का जिक्र कर लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 गुंडे यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप इन पर हैं। लूट चोरी डकैती करने के लिए आरोपी यहां पर आया करते थे। पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से इन्हें गिरफ्तार किया है। कार नंबर के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के नाम राजेंद्र बंटी, राजू उर्फ राजेश बताया जा रहा है। साथ ही साथ दो और बदमाश बलवंत और बादल जो कि अब पुलिस गिरफ्त में है। पांचों बदमाशों ने अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में चोरियां की थी। पुलिस ने बड़वानी, सिंधवा और दाहौद से इनको गिरफ्तार किया है। राजेंद्र सिकली नगर जहां हथियारों की सप्लाई का आरोप इन पर है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में हथियारों की सप्लाई किया करते थे। 2 साल पहले दिल्ली की स्पेशल सेल ने 18 पिस्टल और कट्टे के साथ इन्हें गिरफ्तार किया था। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का गंभीर आरोप पांचों पर। यूपी के भी कई गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई किए हैं। उसके बाद पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टर्स को इसने हथियार सप्लाई किए थे। इसी माध्यम से इसकी लिंक जो है खालिस्तानी से जुड़कर इसने खालिस्तानियों को भी हथियार सप्लाई किए हैं। इसके अलावा चोरी के कई मामलों में ये धार में, सेंधवा में, दिल्ली में बंद हुआ है। ये मुख्य तौर पर ताला चाबी बनाने का काम करते हैं, सिकलीगर हैं, और अवैध रूप से ये हथियार बनाने का काम भी करते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। ये पेशेवर अपराधी हैं जिनका मुख्य तौर पर चोरी करने का कारण पैसा कमाना होता है और उससे अवैध हथियार बनाना, अवैध हथियारों को सप्लाई करना, गैंगस्टर के साथ संपर्क में रहना और इस प्रकार से क्षेत्र में दहशत फैलाना। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां एक छात्र सेक्सटॉर्शन का शिकार हुआ है। ठग ने लड़की बनकर छात्र से वीडियो कॉल पर बातचीत की। अगले दिन लड़की का सुसाइड नोट भेजकर 4 लाख रुपए की ठगी की है। छात्र ने क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है। ठगों की पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई। सेक्सटॉर्शन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं मध्यप्रदेश के अलग अलग जिलों में और इस बार एक छात्र सेक्सटॉर्शन का शिकार हुआ है। आरोपी ने लड़की बनकर वीडियो कॉल किया, उसके बाद सुसाइड नोट भेजकर धमकाने की कोशिश, 4 लाख रुपए की ठगी इस छात्र के साथ हुई। तो क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई है। केस दर्ज कर ठगों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। सेक्सटॉर्शन की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई, न सिर्फ आम लोग बल्कि मंत्रियों तक भी तार गए और अब गंभीर कार्रवाई करते हुए पुलिस। आगे बात करें कि बिलासपुर जिले की, जहां डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गुटकू में डायरिया के 22 नए मरीज सामने आए हैं। चांटी डी की अगर बात करें, मस्तूरी का इलाका बिल्हा के बाद गुटकू भी अब डायरिया की चपेट में। अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग मरीजों का इलाज लगातार चल रहा है, लेकिन जिले में अभी तक 6 लोगों की मौत डायरिया के चलते हो चुकी है और ये जो आंकड़ा है ये लगातार लोगों को डरा रहा है। इलाज लगातार दिया जा रहा है, निगम की तरफ से भी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के दावे जरूर हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार नजर नहीं आता है। लगातार डायरिया के मरीज निकलकर सामने आना ये स्पष्ट करता है किस तरह से गंभीरता इसे लेकर बढ़ती जा रही है। गंदे पानी के चलते डायरिया के लक्षण पहले भी पाए गए लोगों के अंदर। निगम की पाइपलाइन को लेकर सवाल खड़े किए गए कि गंदे जगहों से होते हुए पाइपलाइन पानी का सप्लाई करती है और उसके बाद इसी तरह से गंभीर बीमारियों की चपेट में आसपास के लोग आते हैं। निगम की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जाना ये भी एक प्रमुख वजह। स्वास्थ्य विभाग जरूर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का फौरन काम कर रहा है, लेकिन डायरिया से बचाव के लिए अभी तक प्रशासनिक स्तर पर कोई पहल नहीं। तो अक्सर लोगों की तरफ से शिकायत की जाती है कि निगम के पाइपलाइन जिसमें पीने का पानी आता है वो अक्सर गंदे नाली और नालों से होकर गुजरती है और इसी के चलते डायरिया जैसी गंभीर बीमारी के चपेट में लगातार यहां पर लोग आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए कुछ बातें भी आपके लिए समझना जरूरी। डायरिया में क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज से परहेज करना चाहिए, कैसे आप बचाव कर सकते हैं, कौन से लक्षण हो सकते हैं, जिनके दिखने पर सीधे डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिलासपुर को लेकर मुख्य तौर पर यह बातचीत, यहां पर डायरिया के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और एक और आंकड़ा जो कि डरा रहा है, 6 लोगों की मौत डायरिया से होना पाया गया है। मानसून का सीजन भी, इसी के चलते लगातार गंभीर बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं।
बिलासपुर की हम बात करें जहां पर डायरिया से अभी तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। परहेज किस तरह का करना है आपको डायरिया के अगर आप शिकार हो जाते हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। कैसे बचाव आप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें, हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें। और अब कांकेर से अगली बड़ी खबर। पत्नी ने शराबी पति की हत्या कर दी है। शराब के नशे में पति घर पहुंचा और उसके बाद विवाद शुरू हुआ और विवाद के चलते पति को मौत के घाट उतार दिया गया। पखांजुर थाना के पीवी का यह पूरा मामला सामने आया है। आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अक्सर लड़ाई झगड़े की सूचनाएं सामने आती रही और इसे लेकर भी पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है कि कब से विवाद चलता आ रहा था। मुख्य कारण जो अभी तक निकलकर सामने आया, प्राथमिक तौर पर जो इस मामले को आप समझ सकते हैं कि पत्नी शराबी पति के चलते काफी परेशान थी। शराब के नशे में घर जैसे व्यक्ति पहुंचा, विवाद शुरू हुआ और विवाद के चलते पत्नी को इतना गुस्सा आया कि पति को मौत के घाट उतार दिया। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर हैं। 39 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन। 4 साल बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का ये आंदोलन देखने को मिल रहा है। 60,000 बाबू इसमें शामिल है। 3 लाख कर्मचारी जो है आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों की तरफ से पहले ही ये अल्टीमेटम दिया जा चुका है सरकार को कि जब तक मांगों पर विचार नहीं करती है सरकार, तब तक किसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ आप देख रहे हैं पटवारियों की हड़ताल जारी है, स्वास्थ्य विभाग में भी नाराजगी और इसी के चलते 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी एक साथ एक बार फिर से आंदोलन की राह अपनाते हुए। और बात करेंगे राजनीतिक खबरों की। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 2 सितंबर से शुरू होने वाली। आप जानते हैं कि 230 विधानसभा सीटों तक की यात्रा पहुंचेगी। कैंपेन के लिए 7 रथ तैयार किए गए हैं। 10,000 किलोमीटर का सफर तय होगा। प्रसिद्ध स्थल या शहीद की जन्मस्थली से यात्राओं का आरंभ होना है। 24 सितंबर तक जन आशीर्वाद यात्रा भोपाल पहुंचेगी और उसके बाद यहां पर जब इस यात्रा का समापन होगा, यह माना जा रहा है कि पीएम मोदी भोपाल आ सकते हैं। भोपाल से ही अगली बड़ी खबर, युवाओं को सदस्यता दिलाने वाली है बीजेपी। लगातार चुनावी कैंपेन पर डटी हुई। 500 युवाओं को अब सदस्यता दिलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। चुनावों से पहले युवाओं को जोड़ने की यह बड़ी पहल बीजेपी की तरफ से नजर आती है। 500 मतदाताओं को पार्टी की प्राथमिकता में लाया गया है। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से इस रणनीति पर लगातार काम होता हुआ नजर भी आता है। प्रदेश भर में विधानसभा स्तर पर नव मतदाता सम्मेलन चलाए जा रहे हैं। 18 से 25 साल के युवाओं को भाजपा पार्टी से जोड़ रही है। और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, जिन्होंने मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले पीएम नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। अनुराग ठाकुर की माने तो पीवी नरसिम्हा राव को उन्होंने कभी अपना माना नहीं। उनके साथ जैसा व्यवहार कांग्रेसियों ने किया सारे देश ने देखा। उनकी माने तो कांग्रेस के कुछ नेता रहते तो भारत में है लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में धड़कता है। सुनिए, मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। देखिए, पीवी नरसिम्हा जी को तो ना कभी उन्होंने अपना माना और जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं के साथ किया जो गांधी और नेहरू परिवार की नहीं सुनते थे, वो देश ने देखा है। या तो उनके दरबारी बन के जियो जी, तब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। अगर आप दरबारी नहीं हो तो आप कभी कांग्रेस वाले आपको अपना नहीं मानते। लेकिन दुख की बात यह है जी, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहता है, बार बार अपमानित करता है, जिन्होंने कभी अटल जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कभी अच्छे शब्द ही ना कहे हो, जो पाकिस्तान में जाकर गले मिलते हो और भारत के आलोचना करते हो। ऐसे मणिशंकर अय्यर जी की किताब तो आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, लोगों को सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक। मैंने कहा कि वो रहते भारत में, ये कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है।
रायपुर से अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी का एक बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही और इसी को लेकर उन्होंने भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को लेकर निशाना साधा, उनकी तरफ से ये बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जहां से मौका मिल रहा है वहां से पैसा इकट्ठा कर रही है पार्टी। महादेव ऐप के जरिए युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 2020 में भी रेडियन ऐप का मामला सामने आया था, उसके बावजूद सरकार चुप बैठी हुई है। युवाओं को बर्बाद करने के लिए ऑनलाइन ठगी भी छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर चल रही है। भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार किस तरह से सभी जहां जहां उसको मौका मिल रहा है सब जगह से पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाकर ही अपनी कुर्सी को जिंदा रख पाई है, ये बात छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, हमारे सभी पत्रकार साथी, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महादेव ऐप 50 लाख यूजर्स लगभग इसका माना जाता है और इसने 2020 में रेड्डी अन्ना ऐप को एक्वायर किया 1000 करोड़ रुपए। मैं मई 2020 में सुपेला में इस पर पहला FIR दर्ज हुआ, वो भी तब दर्ज हुआ जब ये पैसा इकट्ठा करते रहे और जब इनकी डिमांड बढ़ती गई और जब ये डिमांड में कुछ इनकी ऊंच नीच हुई होगी तब इन्होंने छोटा मोटा केस दर्ज करके उसको रफा दफा करने का काम किया। कई बातें सामने आ रही हैं, कई सूत्र बता रहे हैं कि डी कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट दुबई कनेक्शन के माध्यम से था और यह भी कई अखबारों ने कई जगह उल्लेखित किया है कि प्रतिमाह डी कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। इस बात का उल्लेख बहुत सम्मानी अखबारों ने भी कई जगह कोट किया है। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। और ईडी के साथ साथ धान और किसान भी चुनावी मुद्दा बन गए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने धान और किसानों के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल को सीधी चुनौती दी है। गाय की धान खरीदी के लिए 80% पैसा मोदी सरकार देती है, भूपेश बघेल खुद ही वाहवाही लूट रहे हैं। बघेल सरकार ने किसानों के साथ चल दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिन और रात परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और भाजपा की सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ऊंचे मनोबल और ऊंचे उत्साह के साथ आज कर रहे हैं और माने कि भूपेश बघेल जी को चुनौती दी है। मैं निश्चित रूप से उनको चुनौती देता हूँ। वो छत्तीसगढ़ की जनता को, विशेष रूप से भोले भाले किसानों को गुमराह करने का, उनके मन में भ्रम डालने का काम शुरू से कर रहे हैं। धान की खरीद के लिए 80% केंद्र की सरकार ने पैसा दिया, माननीय मोदी जी ने पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों को भेजा। मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को ये बताना चाहता हूँ, कुल 12,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिया है। हम लोगों ने 80% से ज़्यादा अधिक पैसा किसानों को देने का काम किया है और हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव घर-घर जाकर किसानों से, सभी वर्गों से सुझाव ले रहे हैं। आने वाले समय में जब चुनाव का घोषणा पत्र जारी होगा हम आपको विश्वास दिलाते हैं किसानों का एक एक दाना भी खरीदेंगे, किसानों के दाने की वाजिब कीमत भी देंगे और किसानों को जो आवश्यकता है या सभी वर्गों को जो आवश्यकता है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, मैं विशेष रूप से किसानों के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। और अब स्टूडेंट्स के लिहाज से एक बड़ी जानकारी, भोपाल से खबर मिल रही है कक्षा 10वीं से बेस्ट ऑफ 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त किया जा रहा है। 2024-25 से 9वीं और 10वीं में खत्म हो जाएगा बेस्ट ऑफ 5 का एक कॉन्सेप्ट। अगले शिक्षा सत्र से सभी 6 विषयों में आपका पास होना बहुत जरूरी होगा। मध्य प्रदेश बोर्ड का यह महत्वपूर्ण फैसला, बेस्ट ऑफ 5 के चलते गणित में बच्चे कमजोर हो रहे थे ये लगातार पाया जा रहा था। पहले की व्यवस्था एक बार फिर से लागू की जाएगी, सभी विषयों के अंक जोड़कर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और अगली खबर बलरामपुर से है, यहां रामानुजगंज के चाकी में हाथियों का उत्पात लगातार देखने को मिल रहा है। हाथियों के दल ने एक बार फिर से घर को क्षतिग्रस्त किया है और घर में रखे अनाज को चट कर रहे हैं हाथी, फसलों को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में डर का माहौल, तस्वीरें आप देखिए, 35 हाथियों का दल इसी क्षेत्र में है, भ्रमण लगातार करता हुआ, विचरण करता हुआ। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है लेकिन इसके बावजूद
राहत कहीं महसूस नहीं होती। एक बार फिर से घर को क्षतिग्रस्त किया है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बलरामपुर का चाकी क्षेत्र है जहां लगातार 35 हाथियों का दल डेरा जमाए हुए हैं। एक बार फिर से घरों को क्षतिग्रस्त करने की सूचना सामने आई। और ब्रिक्स समिट में भाग लेने जोहानिसबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजीलियन राष्ट्रपति को मध्यप्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग भेंट की है। गोंड पेंटिंग मध्यप्रदेश के आदिवासियों की सबसे ज्यादा लोकप्रिय कला है। इसे पीएम ने ब्राजीलियन राष्ट्रपति को भेंट किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही पेंटिंग जो कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ब्राजीलियन राष्ट्रपति को उपहार स्वरूप दी गई है। मध्यप्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, मध्यप्रदेश की प्रचलित और प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को ब्राजीलियन राष्ट्रपति को उपहार स्वरूप देते हैं। मध्यप्रदेश के आदिवासियों के लिए निश्चित तौर पर गौरवान्वित करने वाला विषय। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।